सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम हायर एजुकेशन में काफ़ी तरह के टॉपिक करने वाले हैं, जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, और उसके बाद में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE। इनमें से दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आज तक आए हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि पिछले ईयर्स में किस तरह से इनमें से क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप UGC नेट एग्जाम में 5 या 10 नंबर से रह गए हो, और दोस्तों क्या आप चाहते कि अब की बार भी दोबारा फिर से आप 5 या 10 नंबर से फेल हो जाए नेट या JRF लेने में? दोस्तों आप ये ऐसा बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे, और अगर ऐसा किसी भी दोस्त के साथ होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है हमें। तो दोस्तों देर किस बात की, इस दीपावली के अवसर पर हमने आप सभी के लिए एक 20 डेज क्रैश कोर्स निकाला है। इस कोर्स में दोस्तों हम आपको पेपर फर्स्ट के सभी 10 यूनिट की अच्छे से स्टडी करवाएंगे, 10 यूनिट PDF स्टडी नोट्स देंगे, और दोस्तों इसके अंदर हम आपको 20 दिन के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करवाएंगे हर एक यूनिट का। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2019 तक ओल्ड पेपर PDF देंगे, जिसके अंदर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जैसे कि आज तक जितने भी रिसर्च के क्वेश्चन आए वो हमने अलग रखे हैं, कम्युनिकेशन के जो आए वो हमने अलग रखे हैं, टीचिंग के अलग रखे हैं। इस तरीके से 10 की 10 यूनिट के हमने टॉपिक अलग कर रखे हैं। दोस्तों उनको देख के आप बहुत ही अच्छे से अपनी स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आपको थ्योरेटिकल नोट्स और थ्योरेटिकल वीडियो देखते हैं, उनसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम आपको इस पेड कोर्स के अंदर ये बताते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर हर बार आते हैं, और कई क्वेश्चन तो ऐसे दोस्तों जो जून 2019 एग्जाम में और दिसंबर में और पहले भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी आए, उनकी स्टेटमेंट और ऑप्शन भी बिल्कुल डिट्टो कॉपी होते हैं। दोस्तों अगर हमें इन ऐसे क्वेश्चन का पता चल जाता है तो हम बिल्कुल आसानी से अपना नेट प्लस JRF क्वालिफाई कर सकते हैं, और हर बार जो 5 या 10 नंबर से रहते हैं वो डर हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप हमें किस तरह से ज्वाइन करना है वो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए। उस मैसेज में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस क्रैश कोर्स के अंदर क्या क्या आपको सुविधाएं मिलने वाली है, ये कोर्स कब से स्टार्ट होने वाला है, इसका रजिस्ट्रेशन दोस्तों अभी से शुरू हो गया, आप हमें जल्द से जल्द मैसेज कीजिए इसके ऊपर, और हम आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता देंगे कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको नोट्स मिलेंगे, कैसे आपको वीडियोस मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन पे। दोस्तों डिस्टेंस एजुकेशन जैसे हम सभी को पता है कि जो हम शिक्षा दूर रह के करते हैं, यानी कि जैसे इग्नू, आपने यूनिवर्सिटी सुनी होगी बहुत से लोगों ने। इग्नू क्या है? डिस्टेंस एजुकेशन देती है, हम घर बैठे अपनी डिग्री कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, हमें रेगुलर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर नॉर्मल लिखा हुआ भी है कि जिसमें शिक्षक तथा शिक्षु को विशेष स्थान अथवा विशेष समय पर मौजूद होने की आवश्यकता नहीं हो, उसे हम डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में हमें बहुत से लाभ होते हैं दोस्तों, और डिस्टेंस एजुकेशन के लिए काफ़ी तरह की यूनिवर्सिटी अपने इंडिया के अंदर है और कई स्कूल भी है, NIOS जैसे स्कूल चल रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे कुछ विशेषता की हम बात करें तो इसमें यह है कि जैसे नियमित तौर पर जाकर हमें पढ़ाई नहीं करनी होती, और इसमें हम इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह है वो भी इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करवाने लग गए हैं। और इसमें एक और चीज़ जो होती है, इंटरेक्टिव माध्यम का यूज़ कर सकते हैं, जैसे MOOC मॉक जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी काफ़ी तरह के कोर्सेज होते हैं, उसमें हम इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इसमें देखिए थोड़ी जो बेसिक चीज़ है वो आप सभी यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है दोस्तों कि जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान जिसे NIOS कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों अब बात करते हैं जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की। अब देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था क्या करती है, ये अपने इंडिया के अंदर जितने भी मुक्त विद्यालय यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन देते हैं उन सभी की एक परिषद है, और ये क्या एक स्वायत्त संगठन है, स्वायत्त मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपने रूल रेगुलेशन फीस वगैरह खुद तय कर सकते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1989 के अंदर हुई थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दूरवर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती शिक्षा सुलभ करवाना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा चलती है डिस्टेंस एजुकेशन, उसी तरह से इसका भी कुछ उद्देश्य है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और इसके बाद में जैसे आता है हमारे पास इग्नू, इसका नाम आप सभी ने सुना होगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय। कई बार दोस्तों क्या होता है कि ये फुल फॉर्म भी पूछ लेते, तो हमें फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, ये तो हमें पता है, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और अब इसे देखते दोस्तों इसमें क्या खास बात है, भारतीय संसदीय
अधिनियम के द्वारा सितंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्या है दोस्तों, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली मैदान गढ़ी में स्थापित है। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हमें पता होना चाहिए। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मुक्त विद्यालय दोस्तों, यानी कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डिस्टेंस एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। और इसके अंदर और भी कई चीज़ें यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें दी गई है, ये आप यहाँ से पढ़ लेना। और उसके बाद में जैसे आगे आता है दोस्तों, हमारे पास राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रूसा में से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं, इसमें देखते हैं इसका क्या मतलब है और क्या उद्देश्य है इसका। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसे रूसा कहते हैं, एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। और राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में प्रारंभ की गई थी। यानी कि उनको किस तरह से पैसे देने, क्या करने हैं और किस तरीके से उनको आगे अच्छे से शिक्षण संस्थाओं को चलाया जा सकता है, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। और केंद्रीय वित्त पोषण सामान्य वर्ग के राज्यों के लिए 65-30 के अनुपात में और विशेष वर्ग के राज्यों के लिए 90-10 का अनुपात इसमें निर्धारित किया गया है। ये एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये भी इसमें हमें ध्यान रखना है। अब बात है दोस्तों कि इसके अंदर मुख्य जो उद्देश्य है इसके वो क्या है। देखिए इसके मुख्य उद्देश्य हम देख लेते हैं। 2020 तक देश के कुल नामांकन अनुपात को 30% तक बढ़ाना है। और इसके अंदर इसका लक्ष्य 70 नए आदर्श डिग्री कॉलेजों और नए व्यावसायिक कॉलेजों की रचना करना है। और उसके बाद इसमें जो है इम्पोर्टेंट, अकादमिक सुधारों, प्रशासनिक सुधारों, संबद्धता सुधारों आदि के जरिए राज्यों में उच्च शिक्षा के लिए पहुंच और समानता में सुधार करना। और इसके अंदर क्या है दोस्तों, सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को उच्च शिक्षा के लिए उचित अवसर प्रदान करना। वैसे तो ये नॉर्मल बात है, कुछ खास नहीं है। और उसके बाद में जैसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, इसके द्वारा कौन कौन सी संस्थाएँ चल रही है वो हम देख लेते हैं। इसके द्वारा जैसे कि ये IIT है, ये 16 है, IIM यानी कि भारतीय प्रबंध संस्था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कितने हैं, 13 है। यहाँ पे सभी की हमने लिस्ट दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शायद इसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए, आप एक बार पढ़ लेना। अभी तक तो वैसे इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी आप एक नज़र दौड़ा लेना इस पर। और उसके बाद में जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, हाँ ये भी उसी में से दोस्तों, ये कुछ खास नहीं है, ये पॉलिटेक्निकल कॉलेज जो होते हैं उनके लिए होता है ये। और उसके बाद है दोस्तों हमारे लिए इम्पोर्टेंट, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसके अंदर हम देखते हैं क्या खास बात है। इसकी स्थापना दोस्तों परामर्शी निकाय के रूप में 1945 में की गई थी, यानी कि ये एक सजेशन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। 1987 में इसे संसद के अधिनियम द्वारा सांविधिक दर्जा दिया गया। और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी संस्थान खोलने, यानी कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और तकनीकी संस्थानों में दाखिला क्षमता में विविधता के लिए अनुमोदन करता है। यानी कि जो हमारे टेक्निकल एजुकेशनल कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूट है और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, वो जब ओपन होते या उनमें कोई पाठ्यक्रम या सिलेबस वगैरह निर्धारित किया जाता तो उसके अंदर ये हेल्प करता है। और इसमें हम देखते हैं जो भी है इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इसके अंदर देखिए भारत ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय है, कोलकाता, चेन्नई, कानपुर, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल और बेंगलोर में। और अभी हाल ही में इसका एक और खुला है हैदराबाद में, जिसका अभी जो कार्य है वो शुरू नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़। दोस्तों इसमें से करीब आज तक 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या है दोस्तों हम देख लेते हैं। एक तो जैसे इसका नाम हमें पता होना चाहिए, पूरा फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान भारत के हिमाचल प्रदेश के राज्य की राजधानी शिमला में स्थित है। तो दोस्तों ये शिमला में स्थित है, ये एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ है वो कहाँ पे स्थित है, ये पूछा हुआ था। और इसकी स्थापना दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1964 के अंदर की गई थी।
और कार्य इसने 1965 के अंदर करना शुरू किया था। और इसकी जो कुछ खास बातें हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है एडवांस स्टडी, यानी कि एडवांस स्टडीज़ के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें क्या होता है दोस्तों, सृजनात्मक सोच बढ़ाने का ये कार्य करती है। ये जो इंस्टीट्यूट है उनको बताते हैं कि किस तरीके से क्रिएटिव तरीके से काम करना है ताकि बच्चों में अच्छे तरीके से उनका मानसिक विकास हो सके। उच्च परामर्श सहयोग हेतु सुविधाएँ देता है ये। उसके बाद में ये जो रिसर्च कार्य जो होते हैं हमारे, उनके लिए राष्ट्रीय सेमिनार, लेक्चर, संगोष्ठी, सम्मेलन आदि का आयोजन करता है। उसके बाद में दोस्तों, जैसे व्याख्यान देने अथवा शोध संचालित करने के लिए भारत तथा विदेश से अतिथि प्रोफेसरों तथा अतिथि अध्येताओं को आमंत्रित करता है। यानी कि रिसर्च जो होती है, जो भी हमारी संगोष्ठी सम्मेलन वगैरह होते, तो उसमें दूसरे देशों से जो लोग बुलाने पड़ते तो वो इसकी सहायता से बुलाए जाते हैं। ये काफ़ी हेल्प करती है रिसर्च के अंदर। और इसके बाद में दोस्तों, हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इसमें से क्वेश्चन आया दोस्तों, शायद इसमें 2019 में ही क्वेश्चन आया था। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब इसमें देखते हैं क्या खास बात है। इसकी स्थापना दोस्तों 17 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। स्वायत्त मतलब वही दोस्तों ऑटोनोमस बॉडी जो मैंने बताया। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है, देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली के योजनागत और समन्वित विकास को प्राप्त करना, यानी कि जो अध्यापकों की शिक्षा जो है दोस्तों उसके ऊपर ध्यान देना, यानी कि जो हमें टीचर है, टीचर पढ़ा रहे हैं उनको भी टीच करना ज़रूरी होता है समय समय पर, तो उसके अंदर ये काम करता है। उसके बाद है दोस्तों, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, यानी कि जिसे नैक कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। अब इसमें देखते हैं दोस्तों क्या खास बात है। इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर के अंदर है और इसकी स्थापना UGC द्वारा एक, ये दोस्तों एक स्वायत्त निकाय यानी कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसे ऑटोनोमस बॉडी भी कहा जाता है। और इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्यवाही कार्यक्रम 1992 का अनुसरण करते हुए स्थापित किया गया है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें निकल के आ रही है, यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है, ये आप थोड़ा ध्यान दे लेना। जिसमें भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने पर विशेष बल दिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे कॉलेज वगैरह में इंस्पेक्शन होते हैं, उनकी चेकिंग होती है कि क्या वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपने कई बार सुना होगा कि स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप आज चेकिंग आई है, तो वो चेकिंग करने का काम नैक ही करता है दोस्तों, उनकी गुणवत्ता निर्धारित करता है। और हमने देखा भी होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये B+ है, कोई A+ है, तो वो सारे के सारे नैक ही निर्धारित करता है। और उसके बाद में जैसे उसके बाद देखते दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप ये पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, हिंदी में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे दी हुई है। और अब आगे दोस्तों, हमारे पास राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, यह है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन, इसे कहते हैं NBA। इसमें देखते दोस्तों क्या खास बात है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। यह संस्था AICTE द्वारा स्थापित की गई। इसका उद्देश्य भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करना है। और जो हमारी नैक थी दोस्तों, नैक क्या थी कि वो सभी का मूल्यांकन करती है, लेकिन जो NAB है ये तकनीकी शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उनका मूल्यांकन करती है। यह संस्थाओं या प्रोग्राम को मान्यता देने या रद्द करने के लिए बनाई गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और अब देखते दोस्तों अभी तक इनमें से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था। भारतीय उच्चतर अध्ययन संस्था यानी कि IIAS, एडवांस स्टडी की जो बात चल रही थी, तो वो कहाँ पे है दोस्तों, शिमला के अंदर स्थित है, हमने बताया था अभी। और उसके बाद में दोस्तों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बोर्ड की बात नहीं है, परिषद की बात चल रही है। इसके मुख्यालयों की संख्या कितनी है दोस्तों, इसमें 4 यहाँ पे दी हुई है। और उसके बाद में दोस्तों, दिसंबर 2013 में एग्ज़ाम में आया था ये। निम्नलिखित में से किस परिषद को 2013 में विघटित कर दिया गया था, तो जो डिस्टेंस एजुकेशन था दोस्तों उसे हम विघटित यानी कि उसको तोड़ के अलग संस्थान बना दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को अलग कर दिया गया था। उसके बाद में दोस्तों, हमारा
ये देख लेते हैं कब आया था, ये दिसंबर 2013 का एक क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन नंबर 33। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिशन काउंसिल यानी कि नैक की बात चल रही है दोस्तों, तो इसकी क्या क्या खास बात है वो हमें बताना है। अब देखिए इसके अंदर खास बात क्या है, एक तो यह एक स्वायत्त शासित संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है, हमने पढ़ा था। उसके बाद में इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेवारी का कार्य दिया गया, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और ये देखिए इसमें कहा गया कि यह दिल्ली में स्थित है, इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ये दोनों चीज़ें हम एक बार डाउट के अंदर रख लेते हैं। और इसमें नैक के अंदर हम देख लेते हैं कि इसका कार्यालय कहाँ पर है, मैं भूल गया, हम सभी देख लेते हैं। इसका देखिए इसका कार्यालय कहाँ पे है दोस्तों, बेंगलोर के अंदर है इसका कार्यालय, लेकिन इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन पेपर के अंदर दिल्ली कार्यालय दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ बी, बी मतलब ए और दो, एक और दो, तो ये बात इसकी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल आसान क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, बस हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा हाँ ये आ गया रूसा का, दिसंबर 2015 के अंदर आया था कि रूसा की क्या क्या खास बात है वो हमें बताना है। हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, आंसर नंबर 2 यानी कि ए बी सी देख लेते हैं, इसकी क्या क्या खास बात है रूसा की। ए बी सी, सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, गुणवत्तापूर्ण संकायों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन यानी कि उनके सुधार, उन्नयन का मतलब सुधार होता है दोस्तों, सही से इसका मीनिंग नहीं पता, उनमें सुधार करना, ठीक है आप समझ लेना जो भी है। और उसके बाद में दोस्तों जुलाई 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, दोबारा फिर नैक का क्वेश्चन आ गया। अभी तक हमने देख लिया दोस्तों 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ गया है, अब दोबारा फिर इसमें हमें बताना है कि नैक की क्या क्या खास बात है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों 2 दिया हुआ है, 2 है इसके अंदर, ए बी सी, तो ये आप यहाँ पर पढ़ लेना, बिल्कुल आसान है। आप चाहे तो वीडियो रोक सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा अगस्त 2016 के अंदर ही आया था। अब देखिए इसने कहा है कि भारत में दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन है, तो इनमें से कौन से कथन सही है वो हमें बताना है। तो ये बिल्कुल आसान है दोस्तों कि दूरस्थ शिक्षा है वो हम आसानी से कर सकते हैं, स्कूल में नहीं जाना पड़ता, इस तरह की ये चीज़ें हैं, तो आप यहाँ पे देख लेना। इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 दिया है, ए बी डी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए बी यानी कि यह औपचारिक शिक्षा की पूरक है, ठीक है, और फिर है बी इसमें शिक्षा की लागत घट जाती है, ठीक है ये बात भी सही है, और उसके बाद में डी इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ जाती है, ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो और इसके बाद दोस्तों हमारे पास 21 जून 2019 को ये क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कहा गया कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वो डील विद द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च प्लानिंग, यानी कि जो कैपेसिटी बिल्डिंग और रिसर्च प्लानिंग में कार्य करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों NUEPA। अब इसमें यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, हम ये पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर ऑफ 1962 एज यूनेस्को एशियन सेंटर फॉर एजुकेशन प्लानर। आप यहाँ पे पूरी बात पढ़ लेना दोस्तों, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत लंबी ये वीडियो बन जाएगी, आप यहाँ पे पढ़ लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में दोस्तों जून 2014 के अंदर ये दोबारा क्वेश्चन आया था, इसके अंदर कहा गया है कि द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड दैट वाज प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग यूनिवर्सिटीज, ये है दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, AIU। ये एक संस्था है दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आप पढ़ लेना। और ये जब भी किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस वगैरह निर्धारित किया जाता है तो वो उसमें हेल्प करते एज ए सुझाव देते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।